हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम में देखेंगे, सीरीज में पढ़ा रहा था और सीरीज में आज अगला टाइप होगा आपका। देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, यदि प्रथम एन सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कुछ इसी टाइप से, वहां पे स्क्वायर नहीं था, वहां पे आपको मैंने बताया हुआ था कि सम संख्याओं का योग बताइए, विषम संख्याओं का योग बताइए। आज उसी संख्याओं का वर्ग कर दिया गया, स्क्वायर किया गया और उसका योग बताना है। जैसे आपको यहाँ पे दे देगा कि पांच सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, तो ये अगर छोटा क्वेश्चन बनता है तब तो आप सॉल्व कर ले जाओगे आसानी से। आप क्या करोगे, पांच हमें सम संख्याएं चाहिए और स्टार्टिंग से, और उसका स्क्वायर करेंगे फिर योग करेंगे। तो जैसे कि अगर यहाँ पे मैं कह दूं कि पांच, तो पांच आप निकाल लोगे, दो का स्क्वायर करोगे, फिर चार का करोगे, छह का करोगे, आठ का करोगे, दस का करोगे, उनका योग करोगे और आंसर बता दोगे। यदि एक क्वेश्चन बड़ा बनता है, अगर आपसे कह दिया जाए कि प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए या 40 सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, तब यह थोड़ा सा टफ होता है और यहाँ पे बिना फार्मूले और बिना तौर तरीके के आप नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर मैं लेकर के यही चीज आया हूँ कि आप अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है तो उसको आप छोटे में आप लगा पाओ। तो क्वेश्चन अगर आपको देता है, पहले बात तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कैसे हम लगाएंगे, यहाँ पे क्या फार्मूला लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि यदि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपको निकालना हो तो क्या करना होगा, 2n into in bracket n plus 1 bracket close हो जाएगा, दूसरे ब्रेकेट में आपका 2n plus 1 upon 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकालते हैं। अगर मैं आपसे एग्जांपल दे दूं और कहूं, एग्जाम्पल में जैसा कि मैंने पहले बोल चुका हूं, प्रथम पांच सम संख्या के वर्गों का योग बताइए, छोटा क्वेश्चन है, वर्गों का योग बताइए। तो देखिए जो सीरीज बनेगी वो स्टार्टिंग से बनेगी, हमें सबसे छोटी सम संख्या लेना होगा, वो दो से स्टार्ट करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे दो का स्क्वायर, जो कि पांच सम संख्या के वर्गों का योग बताना है, तो दो का स्क्वायर ये आपकी पहली सम संख्या हो गई। फिर इसके बाद चार का स्क्वायर ये आपकी दूसरी सम संख्या हो गई। फिर इसके बाद छः का स्क्वायर ये आपकी तीसरी हो गई। फिर इसके बाद आठ का स्क्वायर ये आपकी चौथी हो गई। फिर इसके बाद 10 का स्क्वायर ये आपकी पांचवी हो गई। अब इसका योग आपको बताना है, तो आपने क्या किया, इनका हम प्लस कर देंगे। थोड़ा सा ये लंबा होगा, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ और देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये फिर 4 हो जाएगा, प्लस फिर इसका स्क्वायर करूंगा तो आपका 16 हो जाएगा, इसका करूंगा तो 36 हो जाएगा, इसका करेंगे 64 होगा, इसका करेंगे तो आपका 100 होगा। और इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब जा करके कहीं आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इतना ना करना पड़े, आपका थोड़ा छोटे में हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक फार्मूला हमने बताया है। फार्मूला क्या है ये तो आप जोड़ लेंगे, जो भी है अपना कर लीजिएगा। अब मैं इसको मिटा करके, रफ करके मैं बताता हूँ छोटे तरीके में, जैसा कि आपको यहाँ पे मैं दिया हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रथम पांच सम संख्या के वर्गों का योग बताइए, तो आपको क्या करना होगा, एक फार्मूला है, फार्मूला मैं पहले लिख देता हूं और याद भी आप कर लेंगे, 2n, ठीक है, इन ब्रैकेट n प्लस 1, फिर आपका हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई 3, यही आपका फार्मूला होगा। n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू जितनी संख्या हमसे पूछेगा वही आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो मैं तरीका भी बताऊंगा, उससे आप याद कर पाएंगे। तो जो n होगा, n इक्वल टू क्या, पूछी गई संख्या, जितनी संख्या पूछी जाएगी वही n इक्वल टू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने पूछा था पांच,
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको अब लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा n इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूले को डायरेक्ट लगाते हैं, वहां पे आपको शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं, फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 × 10 दी गई संख्या का, या तो मैं पहले दुगना कर लूँ या फिर मैं आसानी से क्या करूँ, इसमें 1 जोड़ करके 6 कर दूँ, इसके बाद फिर इसी संख्या को दुगना करके फिर 1 जोड़ दूँ और by 3 कर दूँ, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं पहले करता हूँ, इसमें 1 जोड़ता हूँ, इसमें हमने पहले 1 जोड़ दिया, फिर इसके बाद क्या किया भाई हमने, फिर इसका दुगुना करेंगे, इसके बाद हमने इसका दोगुना किया, फिर क्या करेंगे, फिर अगर हमने दुगुना किया है तो फिर हम इसमें +1 कर देंगे और /3 करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 6 × 10 इंटू आपका 11/3, ये आपका कट जाएगा 2 बार में, 11 × 22 था हमें 220। आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 220। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मैं इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कराता हूँ। चलिए देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर दूं और दे दूं यहां पर प्रथम 100 सम संख्याओं का योग बताइए। ठीक है ना, प्रथम 100 सम संख्या का योग बताइए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैं पहले क्या करूंगा भाई, इसमें या तो मैं पहले 1 जोड़ ले लूँ, चलो इसमें मैं 1 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका 100 + 1, फिर क्या करूंगा इसका मैं दुगुना करूंगा, 100 का मैं क्या करूंगा दुगुना करूंगा, फिर इसके बाद क्या करूंगा, अगर हमने यहाँ पे दुगुना किया हुआ है तो इसमें मैं 1 जोड़ दूंगा और /3 करूंगा, 1 2 3, 3 पद बनते हैं, 3 से भाग कर देंगे। ये याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये बनेगा आपका 101, ये आपका बन जाएगा 200, ये आपका बन जाएगा 201/3। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो है कट जाएगा, ये संख्या इस संख्या से कटेगी, क्योंकि अंकों का योग 3 से क्या होता है, विभाजित होता है, 3 से काटिए इसको, 3 × 6 = 18। ठीक है, और 3 × 7 = 21। क्लियर हो गई दोस्तों। अब इसके बाद आपको गुणा करना है, तो मैंने बताया है कि कैलकुलेशन अगर इस टाइप की आती है तो अपने ऊपर है कि हम इसको किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं डायरेक्ट इसमें गुणा करूंगा। ठीक है ना, तो ये देखिए डायरेक्ट जब मैं गुणा करूंगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 67 को 7। ठीक है, फिर अगर मैं इसी से डायरेक्ट इसमें करूंगा तो 0 हो जाएगा, 0 में फिर ये हो जाएगा आपका, फिर इधर आपका हो जाएगा 67। क्लियर हुई बात। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 200 से गुणा। तो जब भी हम गुणा करेंगे तो अगर आपको दाहिने तरफ 2 जीरो लगे हुए हैं तो 2 जीरो आप पहले लगा लो और इसके बाद हम 2 से इसमें गुणा कर देंगे डायरेक्ट, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12 और 1 आपका हो जाएगा 13, फिर 1 शेष बचा, 2 × 7 = 14, 1 = 15 हो जाएगा, फिर 1 शेष बचा, 2 × 6 = 12 और 1 = 13। तो यहाँ से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए फिर अगला अब देखते हैं। अगर आपसे यहाँ पर पूछा है सम संख्या तो विषम संख्या भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपका बनता है कि नहीं सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, तो विषम संख्याओं का भी बन सकता है। तो यहाँ पे आइए देखिए, अगर आपसे कहता है कि यदि प्रथम एन विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, तो यहाँ पर जो बनेगा आपका n×4n²-1/3 बनेगा। ठीक है, तो यहां से भी आपसे पूछ सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में कर दूं, मैं इस फॉर्मूले को एक बार फिर रिपीट करता हूं। अगर आपसे कहता है कि यदि प्रथम एन विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा n(4n²-1)/ क्या हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, और यहां से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है,
और इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा और यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन जो बनेगा आपका कहता है, पहले मैं छोटा क्वेश्चन लूंगा एग्जाम्पल में, फिर बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा। आपसे कहेगा प्रथम पांच विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, वर्गों का योग बताइए। तो हमें स्टार्टिंग से करना होगा ना, तो स्टार्टिंग से हम विषम संख्या लेंगे, एक का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर प्लस सेवन का स्क्वायर प्लस नाइन का स्क्वायर। ठीक है, आप देख रहे हैं पांच होंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच संख्याएं हमारी प्राप्त में हो गई, बन गई। तो अब यहाँ से इनके वर्गों का योग आपसे पूछ रहा था, तो वन हो जाएगा प्लस नाइन हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 49, ये आपका हो जाएगा 81। अब आप इनका योग कर सकते हैं, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है तो योग कर सकते हो भाई उतना, लेकिन जब यही बड़ा क्वेश्चन बनता है तब आप नहीं कर पाओगे, तब दिक्कतें आने लगती हैं। तो मैं आपको फार्मूले से इसको सॉल्व कराऊंगा, ये तरीका मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन छोटा क्वेश्चन रहेगा तब कर पाओगे, बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो करना कठिन होगा, हालांकि टाइम ज्यादा लगेगा, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अब इसी को सॉल्व कराऊंगा फार्मूले से। फार्मूले में जो एन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम सेट करते हैं, फाइव हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 × 5 का स्क्वायर माइनस का 1/3। ठीक है, तो इनको यहां से सॉल्व करेंगे तो 5 × ये देखिएगा, यहां से ये आपका हो जाएगा 25 और 25 × 100 होगा माइनस का 1/3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 × 99 ये कम करेंगे और ×3 करेंगे, इसको काटेंगे ये आपका 33 बार में कट जाएगा, और फिर इसके बाद आप गुणा करेंगे तो ये आपका कितना जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 16, 165 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं और इसको लगाते हैं। ठीक है, अगर आपको यहां पे दे देगा प्रथम दस विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, n = आपका यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, कुछ करना नहीं है, या तो आप क्या करो, 10 × 4, 10² - 1/ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, 10 × आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 400, 400 में से आपको घटाना है 1, तो 399, तो मैं डायरेक्ट लगाऊंगा यहाँ पे 399/3, ये वाला पद कट जाएगा आपका, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 है ना। तो यहाँ पे आप 10 से आप गुणा कराना है इसमें, इस पद में, तो आपका हो जाएगा 133 × 10 = 1330। देखिए कितना जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो, और भी आप क्वेश्चन इस टाइप का अगर आपके सामने आता है तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि वर्गों का योग योगफल, तो घनों का भी दे सकता है, और मैं आज ही घनों का भी बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ घनों के योग क्या होते हैं और क्वेश्चन उसके भी कराते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे आप यहाँ पर इनके घनों का कैसे देगा। यहाँ पे देगा आपको प्रथम एन सम संख्या के घनों का योग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देगा प्रथम एन सम संख्या के घनों का योग। तो जो घनों का योग होगा वो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका होगा 2n² n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 2n² n+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, जो सीरीज बनेगी जैसे आपसे कह देगा कि प्रथम प्रथम 5 सम संख्या या संख्याओं को लिख लीजिएगा, संख्याओं के घनों का योग बताइए। ठीक तो बताना होगा भाई। तो अगर ये छोटी संख्या बनती है, छोटा क्वेश्चन बनता है, तो आप लिख सकते हो कि अगर मुझे सम संख्या लेनी है और स्टार्टिंग से, तो 2 का क्या क्यूब, क्योंकि घनों का कहा हुआ है तो क्यूब, प्लस 4 का क्यूब, प्लस 6 का क्यूब, प्लस 8 का क्यूब, प्लस 10 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका क्यूब करोगे 8 हो जाएगा, इसका क्यूब करोगे 4 चौके 16 चौके 64 होता है, इसका क्यूब करोगे है ना, तो इसका क्यूब जब भी करोगे तो 36 भाई, 6 6 36, 36 6 का करोगे तो 36 हो जाएगा, 6 3 18 216 होता है, फिर इसका करोगे तो आपका हो जाएगा 64, तो ये 512 होता है, और इसका आपका हो जाएगा 1000। तो जोड़ोगे तो इस तरीके से थोड़ा, अब देखिए थोड़ा सा ट्रिपल होने जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, टफ होते जा रहा है। तो अब इसको अगर इस फार्मूले पे रखते हो तो बहुत छोटे में आ जाएगा, और इतना आपको करना भी नहीं पड़ेगा। बस माइंड में एक चीज आपको रखनी होगी कि अगर आपको यहाँ पे देता है प्रथम एन सम संख्याओं के घनों का योग, तो 2n² (n+1) का होल स्क्वायर अपान कुछ नहीं करना होगा आपको, यहाँ पे अपान में कुछ नहीं है। ठीक है, बस इतना ही आपका क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा अगर आप इस फार्मूले को यहाँ पे पुट करते हो। तो आइए इसको भी हम लगाते हैं फार्मूले से। तो यहाँ पे आप देखेंगे n = क्या हो जाएगा भाई, n = आपका यहाँ पे 5 होगा, और उस फार्मूले पर रखेंगे 2 × 5² (in)² करेंगे तो आपका 5 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आप इसका हो जाएगा 2 × 25 × आपका ये हो जाएगा डायरेक्ट 6, 6 का आप जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36। ठीक है, इनका गुणा करा दीजिए, आपका हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 36। अब आसानी से गुणा आप करा सकते हो, है ना, डायरेक्ट आपका 36 × 5 = 180 होता है, और 1 जीरो बढ़ा दोगे तो 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस को हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं इस क्वेश्चन को, आता है आपका। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए एक बड़ा क्वेश्चन और करा देते हैं इसी पे। एक क्वेश्चन और करा देते हैं 10 तक का, फिर इसके बाद अगला बता देते हैं आपको। अगर आपको दे दे यहां पे प्रथम 20 सम संख्या के घनों का योग बताइए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे n = y कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको लगा सकते हो, क्या हो जाएगा 2 × 20 का क्या भाई स्क्वायर होता है ना, फिर इसके बाद क्या होगा, इन ब्रैकेट में आपका ब्रैकेट में हो जाता है 20 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 × इसका जब भी हम स्क्वायर करेंगे वो कितना हो जाएगा आपका 400।
ना, आपका 400 इंटू ये आपका हो जाएगा 21, 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 21 का स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, तो वो आपका 441 होता है। ठीक, अब ये निकाह आप गुणा करा सकते हो, तो 4 दुना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप गुणा कराओगे तो पहले आप 0 पहले लिख दो और 8 से गुणा करा दो, 8 8 चौके 32 2 3, 8 चौके 32 3 35, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें याद होनी चाहिए जो कि आपकी रीजनिंग में भी यूज होती है, जैसे स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, ये सारी चीज़ें आपको तो याद होनी चाहिए, तो उतनी ही फास्ट आपकी कैलकुलेशन हो सकती है। अगर आप ये सारी चीज़ें आपको तैयार नहीं है तो आप तैयार कर लीजिएंगे, तो कैलकुलेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आपको मैं अगला बताता हूँ। अब जो अगला देगा आपको, यदि प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, तो अब देखिए यदि प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग आपसे पूछा हुआ है तो इनके घनों का योग भी आप बता सकते हो, वो क्या होता है भाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आते हैं एग्जांपल पर, एग्जांपल आपको क्या देगा, जैसे आपसे कह दिया, मैं छोटे छोटे वही एक एग्जाम्पल की बात में कर रहा हूं कि प्रथम पांच या इस तरीके से भी आपको लिख सकता है, 5 विषम संख्याओं का योग बताइए, ठीक है ना। तो अब यहां पे आप देखोगे 1 का क्यूब अब करना पड़ेगा, प्लस 3 का क्यूब करना पड़ेगा, प्लस 5 का क्यूब करना पड़ेगा, फिर 7 का क्यूब करना पड़ेगा, फिर 9 का क्यूब करना पड़ेगा, तो इस तरीके से हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होगा आपका इस तरीके से सीरीज बनेगी, और जब सीरीज बनेगी तो मुझे लगाना होगा क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम किस तरीके से लगाते हैं, आइए मैं फार्मूले से बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा n इक्वल टू कितना, 5, जितनी संख्या आपसे पूछी जाती है n इक्वल टू उतना रखते हैं। अब इसके बाद आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस का 1, ये आपका हो जाएगा 25, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए 25 दुना के 50 माइनस 1 करेंगे तो 49 हो जाएगा, फिलहाल मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आपका, 50 माइनस का 1, तो ये आपका हो जाएगा 25 इंटू आपका 49। अब आप गुणा कर सकते हैं, 25 में 9 का गुणा करेंगे तो आपका 225 होता है, 5 आपका जो कैरी होगा, जो शेष बचेगा वो 22 हो जाएगा, 25 चौक को 100 और 22 122, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से मैं लगाता हूँ क्वेश्चन को, और आप लोग लगाएंगे यहाँ पे सीखेंगे। आइए मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, फिर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ क्वेश्चन को। अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे दूं, प्रथम 20 विषम संख्याओं के घनों का योग होगा, क्या होगा भाई, प्रथम 20 विषम संख्याओं के घनों का योग, ठीक है, क्या होगा। तो जो सीरीज बनेगी वो आपके तो पता है,
लेकिन यहाँ पे आप लगाएंगे इससे इस तरीके से, ठीक है, तो n इक्वल टू आपका हो जाएगा 20। अब आपको क्या करना होगा, 20 का स्क्वायर करना होगा इनटू आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 इनटू 20 का स्क्वायर माइनस का 1 करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 400। और यहाँ पे आपको हो जाएगा 400 के दुना करेंगे 800, 800 में से एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 799, ठीक, 400 इंटू 799। देखिए आप पहले क्या करेंगे, दो जीरो आप पहले यहाँ पे लगा देंगे, अब चार बचा, चार से गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36, 3 बचेगा, 9 चौक 36, 36 और 3 39 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, 7 चौक 28, 28 और 3 आपका 31 होता है, और यहाँ से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और यहाँ पे हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे नंबर सिस्टम का जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, एक एक चीज़ मैं आपको बताता रहूँगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों के बीच में इस वीडियो को भेजें, जिससे कि उन लोगों को भी ये सारी चीज़ें पता चल जाए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।